अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा आज मैं चना पुलाव बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। प्याज, नमक, मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, खड़े मसाले, मिर्चें, टमाटर का पेस्ट, मैं चना बॉयल किए हुए चने, और ये टमाटर का जो पेस्ट है वो मैंने ग्राइंड करके रखा है। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। एक कप ऑयल लूँगी, ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो जाए तो मैं प्याज डालती हूँ। अब मैं प्याज डालूँगी, प्याज को थोड़ा सा हिलाऊंगी, गोल्डन ब्राउन करूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी। ये मैंने डाल दिए खड़े मसाले। अब ड्राई स्पाइसेस डालूंगी, खड़े मसाले के बाद अब मैं चने डाल रही हूँ। चनों को थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद ड्राई स्पाइसेस डालूंगी, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, गरम मसाले के बाद भूनूंगी अब थोड़ा सा मैं। अब टमाटर का पेस्ट डालूंगी, इनको भी थोड़ा सा, ऑयल ऊपर आएगा तो फिर भून रही हूँ। अब मैं भून चुके हैं अब मेरे चने। अब मैं चावल डालूंगी, अब घुमा रही हूँ, पानी डालूंगी। अब मैं 6 कप पानी डालूंगी, पानी ड्राई हो जाए, उबले। अब मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ ऊपर से, उबलना स्टार्ट हो जाए। हाँ, उबलना स्टार्ट हो गया, अब ड्राई हो जाए इसका पानी। ड्राई हो रहा है इसका पानी। अब मैं ड्राई हो चुका है इसका पानी, अब मैं ढक्कन लगा रही हूँ दम पे रखने के लिए, 0 आंच पे। अब मैं ढक्कन उठा रही हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। अब मेरे चावल तैयार हो चुके हैं मज़ेदार से, दम इसका मैंने खोल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करके डिश आउट करूँगी, मैं डिश आउट कर रही हूँ। मज़ेदार से मेरे चावल तैयार हो चुके हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और अगली वीडियो मुझे बताइएगा कि मैं कौन सी